तो जो संधारित्र का उपयोग है वो बेसिकली उपयोग उसका ये है, ऊर्जा इकट्ठी करना, विद्युत ऊर्जा को या विद्युत स्थितिज ऊर्जा को वह विद्युत क्षेत्र के रूप में संरक्षित करके रखता है। ये चीजें अपन ने पिछली क्लास में या पिछली दो क्लासें जो भी अपनी रही है उसमें अपन ने पढ़ी है ना, कि संधारित्र जो है विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा एकत्रित करके रखता है। तो परिपथ में संधारित्र यानी कि जब भी इसको अपन सर्किट में लगाएंगे, तो जैसे मान लो बैटरी से जोड़ा इसको, या इसको प्रतिरोध से जोड़ा, इसको आवेशन और इसको निरावेशन की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी बातें अपन करेंगे। मतलब संधारित्र को चार्ज करना होता है, मतलब संधारित्र एक बैटरी की तरह भी व्यवहार कर सकता है और एक लोड की तरह भी व्यवहार कर सकता है, स्रोत के समान भी व्यवहार कर सकता है, लोड के समान भी ये व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तुमने देखा होगा संधारित्र वगैरह, मतलब जैसे पंखे का जो कंडेंसर होता है वो कैपेसिटर ही है, वही कैपेसिटर होता है, बस वहां पे उसका यूज अलग है। डीसी में संधारित्र का यूज अलग है, एसी में संधारित्र का, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, उसमें संधारित्र का काम थोड़ा अलग है। ठीक है, तो एसी की बात तो अपन एसी में करेंगे, अभी अपन सिर्फ डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे डीसी सर्किट। ठीक है, डीसी सर्किट। अब सबसे पहले संधारित्र का सिंबल, जैसे प्रतिरोध का सिंबल होता है, ये प्रतिरोध होता है, ये बैटरी होती है, ठीक इसी प्रकार से संधारित्र का जो सिंबल होता है वो होता है इस प्रकार, ये संधारित्र प्लेट, प्लेट ये सिंबल है। अब वो गोलीय संधारित्र हो, बेलनाकार संधारित्र हो, संधारित्र का सिंबल इसी प्रकार से रहेगा, या फिर कहीं कहीं पे सिंबल तुम्हें ऐसे भी मिल जाएगा, एक प्लेट तो सीधी और दूसरी प्लेट थोड़ी सी ऐसे कर्व में बना देते हैं, कहीं कहीं किताबों में हो सकता है तुम्हें ऐसे दिख जाए। ठीक है, तो ये भी संधारित्र का सिंबल है। सी इसकी धारिता इसके पास दर्शाई जाएगी, इसकी धारिता। मान लो कि ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, मान लो ये नेगेटिव प्लेट है, माइनस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये जो होगा ये टर्मिनल उच्च विभव पे होगा, ये टर्मिनल निम्न विभव पे होगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है, धारा किधर से किधर, प्रतिरोध नहीं है ये, इसमें V बराबर IR नहीं लगाना है, इसमें क्या अप्लाई करना है अपने को, Q बराबर CV, Q बराबर CV, जहां पे Q क्या है, Q क्या है, किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण, E क्या है, धारिता कैपेसिटर की, V क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो किसी संधारित्र के सिरों पर विभवांतर लिखना है तो प्लस प्लेट और माइनस प्लेट देख के लिखना है, यानी कि प्लस आवेश किस पे है, माइनस आवेश किस पे है। जिस पर प्लस आवेश है वो उच्च विभव पर होता है, जो निम्न आवेश पर होता है वो, मतलब जो ऋण आवेश होता है वो निम्न विभव पर होता है। इसमें चाहे धारा प्रवाहित हो रही हो चाहे ना हो रही हो, यदि किसी क्षण पर आवेश क्यू है तो क्यू बराबर सीवी, उस क्षण पर विभव, जिस क्षण पर आवेश है, ये जिस क्षण पर आवेश है उसी क्षण पर ये वाला विभव है, ये बात ध्यान रखना। मतलब ये तात्क्षणिक फार्मूला है अपना, ये क्यू बराबर सीवी, किसी भी क्षण पे क्यू बराबर सी इंटू किसी भी क्षण पे वी, क्यू बराबर सी। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, इतना बनाओ सबसे पहले। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपन, संधारित्र का आवेशन, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो जब अपन कैपेसिटर, मतलब दो प्लेटें आमने सामने रख देने से ही काम नहीं चलता, वो एक डिवाइस तो बन गया पर उस डिवाइस में अभी कोई एनर्जी नहीं है। जैसे स्प्रिंग बना के रख दी तुमने, इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग में ऊर्जा आ गई, स्प्रिंग में ऊर्जा एकत्रित करने के लिए उसको कंप्रेस करना पड़ता है या उसको खींचना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर तुम्हें इस संधारित्र को आवेशित करना है तो उसको ऊर्जा कुछ देनी पड़ेगी, और जब भी अपन किसी संधारित्र को ऊर्जा देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसमें धारा प्रवाहित करनी, आवेश देना है तो धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, और अगर धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी तो बैटरी लगानी पड़ेगी। मान लो कि कोई बैटरी से इसको जोड़ा, ठीक, संधारित्र को अपन आवेशित करना चाहते हैं, ये अपनी बैटरी हो गई, एक कुंजी लगा देते हैं यहाँ पे, मान लो कोई कुंजी है के, ये क्या है,
के कुंजी। ओके आवेशित करते हैं संधारित्र को, बैटरी ई लगाई, संधारित्र में जो है संधारित्र सी धारिता का संधारित्र लगाया, प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं है, है ना, प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं है, कुंजी ओपन है, कुंजी खुली हुई है, प्रतिरोध आर है, बैटरी ई है, ये जो आर प्रतिरोध है वो पूरी सर्किट का प्रतिरोध आर ई मतलब आर है, ठीक है। अब सबसे मेन बात, संधारित्र आवेशित कैसे होता है? सबसे पहले अपन ये नोट लिखेंगे एक कि संधारित्र आवेशित होता कैसे है। तो सबसे पहले ये जो मैंने पॉइंट लिखा है वो पॉइंट लिखो कि ध्यान से जब तुम इस सर्किट को देखोगे तो ये आमने सामने जो दो तो प्लेटें रखी हुई है इनके बीच में कोई तार थोड़ी ना है, जो आमने सामने प्लेटें रखी हुई है उनके बीच में कोई तार नहीं है, फिर भी इसमें धारा प्रवाहित होती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां से जो आने जाने वाला आवेश है वो इस प्लेट पे जाकर इसके सामने रखी हुई प्लेट को प्रेरित करता है और प्रेरण के कारण यहां से माइनस आवेश निकल के वापस बैटरी में आता है। अगर मैं इन इन प्लेटों को दूर दूर रख देता तो यहाँ पे जो है आवेश प्रवाहित होता ही नहीं, प्रेरण होता ही नहीं, आवेश प्रवाह होता ही नहीं, कैपेसिटर बनता ही नहीं, एनर्जी इकट्ठी होती नहीं बैटरी लगाने से। जैसे समझो कि एक प्लेट यहाँ लगा दी, ठीक है, खोल दो इसको, ये बैटरी, और दूसरी प्लेट यहाँ लगा दी, तो अब थोड़ी आवेश प्रवाहित होगा क्योंकि इंडक्शन नहीं हो पाएगा दोनों प्लेटों के बीच। इंडक्शन के कारण संधारित्र का आवेशन होता है। अगर कभी कोई पूछ ले तुमसे भाई क्यों होता है ऐसा, तो तुम ये आंसर लिख सकते हो कि इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण ये काम होता है, प्रेरित होता है। जैसे यहाँ पे मान लो प्लस आवेश आया, प्लस डी क्यू आवेश आया, तो सामने वाली प्लेट पे माइनस डी क्यू प्रेरित करता है। सीखा है अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज, है ना, तो ये कारण है आवेशन का। अब इसको आवेशित अपन करते हैं। अब अपन बनाएंगे आवेशन की समीकरण। टी बराबर जीरो पर क्या है? यहाँ पे टी बराबर जीरो पर कुंजी खुली हुई है, यानी कि आई बराबर जीरो है, परिपथ में धारा जीरो है, ठीक है, और कुंजी खुली हुई है, ठीक है, लिख लेना कुंजी खुली हुई, आई बराबर जीरो और संधारित्र पर आवेश, ठीक है, ये क्यू मान लो किसी समय पे क्यू माइनस क्यू है तो क्यू भी जीरो है, संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है, तो टी बराबर जीरो पर संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? बताओ, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर सी वी से क्यू तो जीरो है, तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा? क्यू बराबर सी वी से विभवांतर कितना हो जाएगा? वी बराबर जीरो। अब अगर संधारित्र के सिरों पर विभवांतर जीरो है, अगर मान लो आवेश जीरो है, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर जीरो है, तो संधारित्र को हटा के तार मान लो ना वहां पे, ठीक है, तो यदि संधारित्र पर आवेश किसी भी क्षण पर हो सकता हो प्रारंभिक हो सकता है अंतिम हो, यदि संधारित्र आवेश किसी क्षण पर जीरो है तो संधारित्र को चालक तार से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसको रिप्लेस कर दो, देखो मैं मिटाते भी जा रहा हूं तो लिखते चलना तुम साथ के साथ, जो भी बात समझ में नहीं आए पूछ लेना मेरे से।
अब मैंने कहा कि इसको तार से रिप्लेस कर सकते हैं, तो मतलब ये भी सर्किट कैसा बन जाएगा, सिर्फ टी बराबर जीरो के लिए बटन चालू करते हैं, बटन चालू हो गया, डॉट बना देना बीच में, बटन चालू कर दिया, ये बैटरी, ये ई, ये प्रतिरोध आर, यहां पे कैपेसिटर है, पर सर्किट को हल करने के लिए अपन ने क्या किया, इसको चालक तार से रिप्लेस कर दिया। तो सिर्फ टी बराबर जीरो पर कुंजी बंद करने के तुरंत पश्चात धारा का मान कितना हो जाएगा, आई, बताओ, ई अपॉन आर, सिंपल, ई बाई आर, है ना। ये धारा कब है, इसको रटना नहीं है, रटना ये है, स्टार जो बना रखा है ना वो याद करना है, इसको याद मत करना, ये कब आया, टी बराबर जीरो पर, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से धारा प्रवाहित होगी, ये तो टी बराबर जीरो की बात हुई, किसी जनरल टाइम पे जैसे जैसे धारा प्रवाहित होगी वैसे वैसे यहां पे ये क्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर से धारा आ रही है, धारा आ रही मतलब कौन आ रहे हैं, आवेश आ रहे हैं, आवेश आएंगे यहां पे आके इकट्ठे होते जाएंगे, ये माइनस यहां पे बढ़ता जाएगा, ये प्लस यहां पे बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 क्या होगा, इस पर विभव बढ़ेगा, इस पर विभव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी ये विभव E के बराबर हो जाएगा, कोई ना कोई क्षण तो ऐसा आएगा कि जब ये विभव या विभवांतर संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, E के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि उस पर लगातार धारा आ रही है, लगातार धारा आ रही है, यानी कि लगातार आवेश आ रहा है, क्यू बढ़ता जा रहा है, यानी कि कभी ना कभी स्थायी अवस्था आएगी, ठीक है। तो जब भी स्थायी अवस्था होती है संधारित्र पर आवेश अधिकतम हो जाता है और उसमें से प्रवाहित धारा जीरो हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, स्थायी अवस्था पर ध्यान रखना। क्या है स्थायी अवस्था, स्टेडी स्टेट, स्थायी अवस्था पर, ठीक है, यानी कि काफी लंबे समय बाद चार्ज होता जाएगा स्थायी अवस्था पर, उसको अपन टी बराबर अनंत कहते हैं, है ना, हालांकि टेक्निकली अनंत नहीं होता है पर मतलब थ्योरिटिकली उसको अनंत ही कहा जाएगा। स्थायी अवस्था पर यानी कि टी बराबर बहुत लंबे समय पश्चात, वो डिपेंड करता है कितना लंबा समय, वो डिपेंड करेगा संधारित्र कैसा है, प्रतिरोध कैसा है, वो सारी बातों पर स्थायी अवस्था आ गई मतलब फुल चार्ज, है ना, स्थायी अवस्था पर यानी कि फुल चार्ज पर संधारित्र, संधारित्र में से प्रवाहित धारा शून्य होती है। तो अब हल करने के लिए क्या करेंगे, परिपथ हल करने के लिए संधारित्र को वहां से हटा देते हैं, यानी कि वो ब्रांच हटा दो जिस ब्रांच में संधारित्र है, परिपथ हल करने के लिए जिस शाखा में संधारित्र है उसे हटा देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि फुल चार्ज हो गया, धारा उसमें से जा ही नहीं रही, यानी कि जब स्थायी अवस्था आ जाएगी तो इसको हटा दो, हटाने से मतलब वो वास्तविकता में तो वही है, परिपथ हल करने के लिए हटाया, जैसे परिपथ हल करने के लिए चालक तार माना था ना, उस तरह से इसको हटा दिया, यहाँ पे यहां से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है क्योंकि, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस अब केवीएल अप्लाई कर दो, भाई यहाँ पे अगर जीरो विभव है तो यहाँ पे भी जीरो होगा, इसमें से धारा तो जा ही नहीं रही है, ये जीरो, ये जीरो, ये ई हो गया, ये ई हो गया, यानी कि यहाँ पे विभवांतर कितना हो गया, संधारित्र के सिरों पे विभवांतर, देखो तो क्यू मैक्स क्या बोल दूंगा मैं, सी इंटू वी, वी बोले तो ई, ये क्यू मैक्स आ गया। इस केस के लिए, अलग अलग केस के लिए अलग अलग हो सकता है,
इस चित्र के अनुसार क्यू मैक्स अधिकतम आवेश, आवेशित हो गया ना, चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया, यानी कि क्यू मैक्स, फुल चार्ज यानी कि क्यू मैक्स, बात समझ में आ। तो मैंने तुम्हें अभी तक दो बातें सिखाई है बस, कि टी बराबर जीरो पर क्या होगा, टी बराबर बहुत लंबे समय पश्चात क्या होगा, ठीक है। अभी ये दो बातें अपन ने सीखी है, इसके बीच की बात अपन बाद में करेंगे, है ना। इन दो बातों के ऊपर अपन प्रश्न करना शुरू करते हैं, ओके। मैं इसको मिटा रहा हूं, प्रश्न तुम समझ गए होंगे। यहाँ पे बैटरी है, दो प्रतिरोध हैं और एक संधारित्र है, संधारित्र को जिस ब्रांच में जोड़ा गया सब चित्र में दिख रहा था आपका। एक कुंजी दर्शाई गई है यहाँ पे, और पहले तो कुंजी खुली हुई थी और संधारित्र पर कोई आवेश नहीं था। जैसे ही अपन ने कुंजी को लगाया तो कुंजी लगाने के तुरंत पश्चात अपने को बैटरी में से धारा बतानी है, सभी लोग करें। T बराबर जीरो मतलब बैटरी में से प्रवाहित, क्या बोलते हैं इसमें, संधारित्र पर आवेश तो जीरो है। अगर संधारित्र पर आवेश जीरो है तो परिपथ को हल करने के लिए संधारित्र को रिप्लेस कर सकते हैं चालक तार से। तुम दोबारा से चित्र बना लेना चाहो तो, मैंने इसी में रिप्लेस कर दिया ब्लू कलर में, ये चालक तार से रिप्लेस कर दिया, चालक तार से रिप्लेस हो गया। बस बैटरी से प्रवाहित धारा निकालो तो आर और आर समांतर है, तो आर बाई टू बराबर आई बराबर बी बाई आर, यानी कि ई बाई आर बाई टू, यानी कि टू ई बाई आर। ये आया कब, कब आया ये, टी बराबर जीरो पर। चलो अगला प्रश्न, स्थाई अवस्था पर, स्थाई अवस्था यानी कि बहुत लंबे समय पश्चात संधारित्र, ये क्या बोलते हैं इसको, बैटरी से धारा ज्ञात करो, बैटरी से धारा तथा संधारित्र पर आवेश। स्थाई अवस्था की ट्रिक क्या है, कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है, जिस शाखा में कैपेसिटर लगा हुआ है, उस शाखा को हटा दो, ये इधर से धारा जाएगी नहीं, खुल गया ही, ओपन हो गया, यानी कि धारा किधर से चली जाएगी, इधर से। धारा कितनी आई देखो, धारा आ गई E by R, ये आ गई धारा बैटरी से, ठीक है। अब इधर तो धारा जानी थी, कोई बात नहीं, धारा नहीं जा रही थी, विभवांतर तो रहेगा ही। अगर यहाँ पे विभवांतर जीरो है, मतलब विभव जीरो है, तो यहाँ पे ई है, यानी कि संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या दिख रहा है, इधर ई इधर जीरो, वहां से गया नहीं है वो, वहीं पे बस हल करने के लिए उसको हटाया है। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर C, कौन सा प्लस होगा, ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से होगा, ठीक है। कोई डाउट, प्रारंभ में संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है, स्थाई अवस्था पर संधारित्र में आवेश ज्ञात कीजिए। आंसर आएगा इसका जीरो, आंसर आएगा इसका जीरो। कारण देखो क्यों, मान लो कि ये जीरो है, यहाँ पे रेफरेंस यहां जीरो ले लेते हैं विभव, ये जीरो हो गया, इधर जीरो, ये चालक तार है ना, एक तरह से बाईपास बन गया, शॉर्ट सर्किट हो रहा है यहाँ पे, इसको इससे जोड़ रखा है, शॉर्ट सर्किट है। अब अगर करंट मान लो इधर से जाता है, इधर और देखो, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, और T बराबर जीरो पर संधारित्र पर आवेश तो है ही नहीं, इसका मतलब यहां भी जीरो है, प्रारंभ में तो यहां भी जीरो रहेगा, क्योंकि इस पर तो आवेश है ही नहीं। अब एक तरह से देखा जाए तो ये जो चीज है ना, ये चीज बाईपास हो रही है, ध्यान से देखो, ये बाईपास बना हुआ, ये बाईपास यहां पे ही तो है,
इनडायरेक्टली देखोगे तो, क्योंकि यहाँ का विभव भी जीरो, यहाँ का विभव भी जीरो, ये तो फर्जी है। इस ब्रांच में धारा जाएगी ही नहीं, क्योंकि इधर प्रतिरोध है, इधर प्रतिरोध नहीं है, वो तो इधर जाएगी। उस पर कभी आवेश पहुंचेगा ही नहीं। बोल तो रहा हूं इस आर के सिरों पर विभवांतर जीरो है, मतलब इसमें से धारा है ही नहीं। क्यों जाएगी उसमें धारा जब इधर खुला रास्ता मिल रहा है? एक रास्ता है जिस पर गड्ढे गड्ढे हैं, दूसरा रास्ता उसी के समांतर है जो एकदम मतलब यू मान लो स्मूथ है, मतलब शानदार रोड है, फोर लेन, तो तुम गड्ढे वालों पे थोड़ी चलोगे, तुम तो फोर लेन पे चलोगे। यही काम धारा का इसके साथ होगा, वो उधर क्यों जाएगी जबकि इधर बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं है? बात समझ पा रहे हैं? सर्किट यहां पे दे रखा है, ये चार चार ओम है सब, ये चार ओम, चार ओम, चार ओम, चार ओम, 20 वोल्ट, 2 माइक्रोफेरड, बाकी जितना भी दिख रहा है सब चालक तार है। प्रारंभ में संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है, जब स्थायी अवस्था आ चुकी होगी तब संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। स्थायी अवस्था पर संधारित्र में आवेश ज्ञात करो, करो। तो स्थायी अवस्था पर जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है उसको हटा सकते हैं, इसको हटाइए तो भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, भूल गए। अब जो है सर्किट तुम्हें दिखने लग गया, ध्यान से देखो, ये चार और ये चार समांतर में है, ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट, ये सेम पॉइंट है, देखो इसको यहां जोड़ सकते हो तुम, ये चालक तार ही तो है, इसको और रीअरेंज कर देता हूं मैं। देखो ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा, इस चार ओम को मैं यहां पे जोड़ सकता हूं, तो ये चार ओम यहां पे आ गया, चार ओम, चार ओम, चार ओम, ये चार और ये चार मिलके समांतर में बन गए दो, ये दो ओम हो जाएगा समांतर में, ये दो ओम, ये चार ओम और ये चार ओम, ये तीनों मिलके टोटल कितना हो गया? 10 ओम, 2 4 4 10, धारा कितनी आई बैटरी में से? धारा आई बराबर 20 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 2 एम्पियर की धारा आ गई, था 2 एम्पियर आ गई धारा, ठीक है। अब धारा आ गई ना तो अपन को विभवांतर भी मिल जाएगा, अपने को क्या चाहिए? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो ये चार और चार, ये तो दो है तो इसको दो ही बना दो, है ना, इसको तो दो ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है। और अपना कैपेसिटर जो जुड़ा हुआ है ना, वो कहां पे जुड़ा हुआ है? देखो अपना जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ था वो यहाँ पे था, इस जगह पे, ठीक है, यानी कि अपने को यहाँ पे विभवांतर चाहिए। अच्छा, ये जो चार ओम था, ये वाला जो चार था, इसको तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर ही दिया, तो और इसमें से तो धारा जाएगी ही नहीं, तो इसको मैं डायरेक्टली इन दोनों के मध्य विभवांतर लिख सकता हूँ, तो मुझे जो है इसके कैपेसिटर के सिरों पर विभवांतर मिल जाएगा। इसमें से प्रवाहित धारा कितनी है? 2 एम्पियर, यानी कि चार ओम, ये जो चार ओम है, ध्यान से देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, हम तो वैसे ही बनाएंगे, तो चलो वैसे ही बना लो, ये अपने चार ओम था और ये अपने चार ओम था और ये अपने चालक था, ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपने। अब एक मिनट, हाँ मैं गलत कर रहा था, सॉरी, मैं गलत कर रहा था, वापिस से सुधारता हूं मैं मेरी गलती। ये चार था, ये चार था, और संधारित्र यहां जुड़ा है, यहां नहीं जुड़ा, संधारित्र यहां पे जुड़ा हुआ है, यहां का मतलब है संधारित्र यहां पे जुड़ा हुआ है ना। तो अब ऐसा करते हैं, इस चार को तो यहां पे शिफ्ट कर ही दो इसके समांतर, तो ये चार और ये चार, ये दोनों मिलके हो गए दो, यहां पे ये हो गया 2 ओम, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना मेरे से। अब देखो ध्यान से, ये दो और ये चार, टोटल कितना हो गया? 6 ओम, टोटल कितना हो गया? 6 ओम। तो 6 ओम इंटू, इसमें से धारा कितनी जा रही है पूरे में से यहां तक धारा कितनी जा रही है? यहां से यहां तक धारा जा रही है 2 एम्पियर की, यानी कि 2 एम्पियर की धारा हो गई। तो विभवांतर कितना मिल गया? 6 × 2, 12 वोल्ट का विभवांतर मिल गया कैपेसिटर से। तो Q बराबर CV से देखो, सी कितना था? 2 माइक्रोफेरड इंटू 12 वोल्ट, यानी कि 24 माइक्रोकूलम।
ठीक है। अब कोई सोच रहा हो नहीं यार मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर किसी को ये समझ में ना आया हो तो तुम देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अपना चार चार ओम था, यहाँ पे मेरा चार ओम था, पर ये तो चालक तार है ना, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा चालक तार है, तो तुम यहाँ इन दोनों के मध्य विभवांतर लिखो, ये जो बैटरी है ना ये यहाँ पे और यहाँ पे इसके मध्य विभवांतर 20 - 2 × 4 वी बराबर आई आर, इसके लिए ई माइनस आई आर क्या लिखा मैंने, ई माइनस आई आर, तो क्या बन जाएगा देखो वही बनेगा 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट ही बनेगा। तो दोबारा से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, किधर से भी लिख लो तुम्हारी इच्छा हो जिधर से भी विभवांतर लिख लो, तो आंसर जाएगा 24 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 माइक्रो फेरेड का जो है कैपेसिटर है, बाकी सभी जो प्रतिरोध है वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ओके स्थाई अवस्था पर संधारित्र में आवेश ज्ञात कीजिए, स्थाई अवस्था पर, स्थाई अवस्था पर संधारित्र में आवेश ज्ञात करो, करो स्थाई अवस्था पर जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच को हटा दो, हटा दिया ठीक। अब ध्यान से देखो ये 4 और ये 2 टोटल कितना हो गया इस तरफ 6, इस बेड इसको रीअरेंज करो देखो, ये 10 वोल्ट 2 ओम, इस साइड नेट कितना हो जाएगा, इस साइड ये 2 और 4 मिलके ये कितना हो जाएगा टोटल 6, इस तरफ कितना हो गया टोटल, इधर हो गया टोटल 6 ओम ठीक। ठीक इसी तरह से इधर ये 2 और 1 मिलके ये टोटल कितना हो गया 3 ठीक है। ध्यान से देखो ये 3 और ये 6 समांतर में है, देखो समांतर है दोनों, तो 1/6 + 1/3 इक्वल टू 1/6, 2/6, 3/6, 1/2 यानी कि 2 ओम, यानी कि इन दोनों को हटा के भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 ओम लिख सकता हूँ, इन दोनों को हटा दो यहां से और क्या लिख दिया मैंने 2 ओम लिख दिया, ये देखो सर्किट कितना सा रह गया अपने पास, ये 2 ओम रह गया ठीक है। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम मिलके कितना हो गया टोटल 4 ओम, 10 वोल्ट / 4 ओम, आई कितना आया बैटरी में से 10 वोल्ट / 4 ओम कितना बना 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, देखो बैटरी में से कितनी धारा गई 2.5 एम्पियर। अब है ना, अब ऐसा करते हैं वापस से उस सर्किट को बनाते हैं, क्योंकि अपने को तो मेन सर्किट से काम है ना, इससे थोड़ी काम चलेगा, कैपेसिटर में अपने को निकालना है पूरा, तो पूरा बनाना पड़ेगा दोबारा से। तो इधर कितना था मेरे पास, यहां था मेरे पास 4, ये था मेरे पास 2, ये था मेरे पास 1, और यहां पे था अपने पास कितना था शायद 2 था है ना, 2 1 4 2, 2.5 एम्पियर गए, इधर और इधर धारा निकालनी पड़ेगी तभी तो अपने को यहाँ पे विभव मिलेगा, तभी तो अपने को यहाँ पे विभव मिलेगा, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के मध्य ही अपने पास क्या था संधारित्र। तो मान लो कि यहाँ पे है 0, मान लो यहाँ पे है 0, तो यहाँ का विभव तुम लिख सकते हो कितना आएगा, देखो इस जगह का विभव E माइनस आई आर यानी कि 10 वोल्ट 10 - 2.5 × 2 यानी कि 10 - 5 यानी कि 5 वोल्ट, यहाँ का 5 वोल्ट मिलेगा अगर यहाँ पे 0 है तो ठीक है, रेड में ले लेते हैं इसको, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा, यानी कि इधर से धारा मिल गई मुझे, ये तो 4 और 2 कितना है 6 है, इधर से धारा कितनी आई 5/6 एम्पियर, इधर से कितनी आई देखो इधर से आ जाएगी 2 और 1 3 है ना, इस तरफ टोटल 3 है, विभवांतर 5 है, तो 5/3 एम्पियर
ठीक है, एक अनुपात दो में बढ़ गया वो। अब आगे की बात, अब मुझे यहां का जीरो है तो यहां का विभव कितना होगा, यहां की धारा पता है, यहां की धारा कितनी है 5/6, यहां की धारा कितनी है 5/3। तो अगर यहां पे जीरो विभव है, ये अपने पास 2 ओम है, तो ये विभव में लिख सकता हूं V बराबर IR से, तो V माइनस जीरो बराबर IR। इधर से भी लिख सकता था, मुझे वहां पे 5-V लिखना पड़ता, यहां पे V माइनस जीरो लिख दूंगा, V माइनस जीरो बराबर IR। I कितना 5/6 और R कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 5/3। यहां का V मिल गया मुझे, इसको V1 बोल देते हैं, चलो V1 कितना मिल गया 5/3 वोल्ट। इसी तरह से V2 निकालो, तो V2 भी कितना मिल जाएगा 5/3 वोल्ट मिलेगा, V2 भी 5/3, क्योंकि ये एक है, ये क्या है एक है, ये भी कितना मिल जाएगा V2, ये भी क्या मिल जाएगा 5/3 वोल्ट, 5/3 वोल्ट। विभवांतर कितना है इन दोनों के मध्य, जीरो, यानी कि आवेश कितना आ जाएगा संधारित्र पर, जीरो। और अगर तुम्हें, अगर यहां पे व्हीट स्टोन ब्रिज से अगर तुम सोच सको, तो 2 × 2 आमने सामने वाले देखो, 2 × 2 4, 4 × 1 4, आमने सामने वाले बराबर है ना, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स पे जो है विभवांतर जीरो आ रहा है, अगर तुम देख सको तो। नेक्स्ट स्टडी है कैलकुलेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो मान लो कोई कैपेसिटर है, टी बराबर जीरो पर इस पर कोई आवेश नहीं, बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ ई है, प्रतिरोध भी यहां पे एक आर, टी बराबर जीरो पे यहां कुंजी थी, कुंजी जोड़ दी और बैटरी ने आवेश प्रवाह शुरू किया, बैटरी ने क्या किया आवेश प्रवाह शुरू किया टी बराबर जीरो से शुरू होते हुए, ठीक है, ये आवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो टी बराबर जीरो पर क्यू बराबर जीरो, टी बराबर स्थायी अवस्था यानी कि अनंत पर जो क्यू मिलेगा वो मिल जाएगा मुझे सीई, ये अपन कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि स्थायी अवस्था आने तक, स्थायी अवस्था आने तक जो स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ सीई स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c से देखो, इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक। अब एक टर्म होती है, ध्यान रखना, एक फॉर्मूला, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, यानी कि W बैटरी, ठीक है, W बैटरी बराबर ये होता है बैटरी का ईएमएफ, ये होता है बैटरी का ईएमएफ, ध्यान देना ईएमएफ लेना है और कुछ नहीं, उसका विभवांतर नहीं लेना, ईएमएफ कितना है वो लेना है, इनटू बैटरी का ईएमएफ, ध्यान है ईएमएफ का मतलब क्या होता है, बैटरी द्वारा एकांक आवेश पर किया गया कार्य, ईएमएफ की परिभाषा बताई थी मैंने, याद हो तो, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, बैटरी द्वारा एकांक धन आवेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट तक ले जाने में किया गया कार्य। अब मान लो कि यहां से मान लो टोटल क्यू आवेश प्रवाहित हुआ, तो इंटू क्यू बैटरी से प्रवाहित आवेश, कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ, ठीक है। अब अगर आवेश ऋण से धन जा रहा है तो धनात्मक कार्य, धन से ऋण जा रहा है तो, मतलब बैटरी अगर स्रोत की तरह कार्य कर रही है तो कार्य धनात्मक, लोड की तरह कार्य कर रही है तो कार्य ऋणात्मक, ये बैटरी का कार्य है, ध्यान रखना। अब बैटरी की आंतरिक जो प्रतिरोध होता है उसके कारण ऊष्मा हानि होती है, वो एक अलग चीज है, बैटरी ने इतना काम कर दिया, ठीक है। तो अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से,
कि भाई बैटरी द्वारा किया गया कार्य किस किस के बराबर होगा, जो बैटरी ने कार्य किया वो किसके बराबर होगा। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, भाई इसकी स्थितिज ऊर्जा पहले कितनी थी और बाद में कितनी है। जो बैटरी का कार्य हुआ वो कुछ तो चला गया कैपेसिटर के अंदर डेल्टा यू, और बचा हुआ कहां गया, वो हीट में चला गया। ये प्रतिरोध बैठा है ना यहां पे, ये भी तो खाएगा, इसका कमीशन भी तो है, प्रतिरोध होता है तारों में, ये खाता है, हीट में चला गया। चलो बैटरी का कार्य कितना हुआ यहां पे लिखते हैं, यहां साइड में लिखते हैं बैटरी द्वारा किया गया कार्य। तो बैटरी का ईएमएफ कितना है जी, ई इंटू कितना आवेश प्रवाहित हुआ, पहले जीरो था अब सीई हो गया, यानी कि सीई प्रवाहित हुआ। किसी एक प्लेट को देख लो, यहां पे पहले जीरो था अब कितना आ गया टोटल, सीई आ गया, यानी कि बैटरी का कार्य आ गया सीई स्क्वायर। बैटरी का कार्य क्या हुआ, सीई स्क्वायर, जबकि स्थिति ऊर्जा कितनी स्टोर हुई, हाफ सीई स्क्वायर, यानी कि हीट लॉस कितना हो गया मेरे पास, हाफ सीई स्क्वायर का, यानी कि जितना बैटरी ने काम किया ना उसका आधा तो लॉस हो गया और बचा हुआ आधा स्टोर हो गया, यानी कि आधा आधा दोनों ने बांट लिया, आधा तो इसने रख लिया, ये तो इकट्ठा करके रख, इसके पास तो जगह है ना यार, इसने इकट्ठा करके रख लिया और इसने उड़ा दिया, क्योंकि इसके पास इकट्ठा करने के लिए थे, ये तो प्रतिरोध है, ये तो लोड है, ये तो उड़ा देगा हीट के रूप में। पंखा होगा तो पंखा चल जाएगा, बल्ब होगा तो बल्ब जल जाएगा, नहीं तो हीट के रूप में चला जाएगा। तो बेसिकली जो हीट होती है ना, ये प्रतिरोध, जो तार में प्रतिरोध होता है, वो प्रतिरोध मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध उड़ाता है, मतलब हीट, ये बात। ओके, लिख लेना है नोट।